बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत के साथ मुनव्वर फारूकी करने जा रहे हैं अपना बॉलीवुड डेब्यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। वेल, बात करें अगर मुनव्वर फारूकी की तो लॉकअप से आने के बाद अभी तक जनाब सुर्खियों में बने हुए हैं और मुनव्वर फारूकी की हर तरफ चर्चा हो रही है। अभी तक तो जब वो लॉकअप में थे तो लॉकअप में उनके गेम्स को लेकर, उनकी स्ट्रेटेजीज को लेकर लोग कहते थे कि वो अपना माइंड गेम्स खेलते हैं, उनको लेकर उनकी चर्चाएं जोरों शोरों पर रहती थी और के साथ ही अंजलि अरोड़ा के साथ भी उनकी चर्चाएं हमेशा टॉप पर बनी रहती थी। लेकिन फिलहाल बात करें तो लॉकअप को खत्म हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी भी लॉकअप के तमाम कंटेस्टेंट्स जो हैं सुर्खियों में बने हुए हैं और उनमें से जो फेमस वन है या फिर कह सकते हैं जो मेन है वो है मुनव्वर फारूकी, क्योंकि मुनव्वर फारूकी ने लॉकअप सीजन 1 का विनर का टैग हासिल किया है और इसी के साथ कुछ उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर वो फिलहाल काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ी हेडलाइन, एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये आ रही है कि मुनव्वर फारूकी वो जो है वो जल्द ही कंगना रनौत के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म सीता में मुनव्वर फारूकी को रोल मिल चुका है और वो कंगना के साथ इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। हालांकि इस बात पर दोनों में से किसी की भी अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है और दोनों में से किसी ने भी इस बात पर कोई बात नहीं की है, लेकिन फैंस के बीच ये चर्चा है कि मुनव्वर फारूकी जो है वो जल्द ही कंगना की सीता में नजर आने वाले हैं। लेकिन इस बात को लेकर पायल रोहतगी ने भी कुछ पोस्ट किया था जहां से उड़ती उड़ती ये खबरें आई हैं और जहां से खबरें जो हैं फैंस के बीच आकर अटक गई हैं और ये डिस्कशन का एक विषय बन गई है, एक चर्चा का विषय बन गई है। आपको बता दें कि पायल रोहतगी ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने धाकड़ के बारे में लिखा था पहली लाइन कर्मा इज अ बिच, जो उन्होंने कंगना रनौत के लिए बोला था। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि देखिए 18 लाख जिसको वोट्स मिले थे, ना तो वो धाकड़, उसने धाकड़ को प्रमोट किया और ना ही उसकी जनता ने, उसके फैंस यानी कि मुनव्वर के फैंस ने। और इसी के साथ पायल ने ये भी लिखा कि जो कंगना है वो अपनी सीता में सीता का ही अपमान करने वाले इंसान को रोल दे भी सकती है क्योंकि उसे समाज में अपना एजेंडा जो है वो कायम करना है। इसी के साथ ये बड़ा बयान पायल रोहतगी ने दिया और आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी पायल रोहतगी ने कई बार मुनव्वर फारूकी के बारे में कई सारे पोस्ट किए हैं। एक पोस्ट उन्होंने लॉकअप के फिनाले के अगले दिन ही किया था जिसमें मुनव्वर फारूकी की उन्होंने वो वीडियो पोस्ट की थी जिस पर विवाद चला था और जिसके चलते मुनव्वर फारूकी जेल गए थे, लेकिन अभी तक वो सिलसिला जारी है और लोगों का कहना ये भी है कि कहीं ना कहीं पायल रोहतगी जो है अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। हालांकि अंजलि ने भी यही कहा था, लेकिन फिलहाल तो पायल ने इस बात को मना किया है और इस बात को उन्होंने इग्नोर किया है क्योंकि उन्होंने अपने इस कैप्शन के हैशटैग में लिखा है लड़की हूं लड़ सकती हूं और इसी के साथ अपने इस टैग पर कायम है पायल रोहतगी और अपनी हार के लिए वो अभी तक लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर ऐसा होता है कि मुनव्वर जो है पंगा गर्ल के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यू करते हैं तो आपका उस पर क्या है कहना। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी की भी इस बात पर नहीं आई है और बताया जा रहा है कि शायद ये खबर जो है वो खबर झूठी ही है और खबर ही है, इस बात का कोई अभी मूल नहीं मिला है, लेकिन के साथ ही खबर जो है फैंस के बीच चर्चा का विषय है तो ये बताना तो आपको बनता है। इसी के साथ अगर फिल्मी बीट को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलिएगा।